दुनिया में महंगी से महंगी जमीनों को लाखों करोड़ों रुपयों में खरीदा गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में आज तक की सबसे महंगी जमीन भारत में ही खरीदी गई थी? जी हाँ दोस्तों, पंजाब में सरहिंद फतेहगढ़ साहिब में 4 गज की जमीन को 400 करोड़ रुपयों में खरीदा गया था। है ना हैरान कर देने वाली बात, इसके पीछे की कहानी भी इतनी ही हैरान करने वाली है। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि 4 गज की जमीन को इतनी महंगी रकम देकर क्यों खरीदा गया था। ये किस्सा है 26 दिसंबर 1704 का, जब गुरु गोविंद सिंह जी के दो बेटे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी दोनों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। और यह देख उनकी मां गुजरी सहन नहीं कर पाई थी और उनकी भी मृत्यु हो गई थी। उसके कुछ ही दिनों के बाद दीवान टोडरमल जी वजीर खान के पास गए और उनसे उस जमीन को दो साहिबजादों और उनकी माँ के अंतिम संस्कार के लिए खरीदने की मांग की। तो वजीर खान ने टोडरमल के सामने शर्त रखी कि अगर आपको ये जमीन चाहिए तो जितनी आप सोने की मोहरें इस जमीन पर रखेंगे उतनी जमीन आपकी हो जाएगी। तो दीवान टोडरमल जी राजी हो गए, लेकिन वजीर खान ने इसके आगे एक और शर्त रखी कि आपको मोहरों की दीवार भी खड़ी करनी पड़ेगी, यानी अगर आपको 4 गज जमीन चाहिए तो 4 गज ही जमीन में सोने की मोहरें रखनी पड़ेंगी। टोडरमल ने थोड़ा विचार किया, लेकिन उस जमीन को खरीदने के लिए उन्होंने ये शर्त भी मान ली। तो मोहरें लगाने का काम शुरू किया गया और एक समय आया जब पूरी 4 गज की जमीन सोने की मोहरों से भर गई। उस समय करीब 78,000 सोने की मोहरें बिछाई गई, जो कि करीब 780 किलो सोना था। जमीन खरीदने के बाद दीवान टोडरमल जी के पास एक फुटी कोड़ी भी नहीं रही, क्योंकि सारा सोना तो जमीन खरीदने में लग गया था। इसके बाद जब गुरु गोविंद सिंह जी को इस बात का पता चला तो गुरु गोविंद सिंह जी की आंखों में पानी आ गया और अपने भावुक मन से दीवान टोडरमल जी की तरफ देखा और उन्हें पूछा कि इसके बदले में मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आपने जो इतना बड़ा मुझ पर उपकार किया है उसके लिए कुछ तो मांगिए। तो टोडरमल जी ने जो मांगा उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन के बाद मेरा वंश खत्म हो जाए। यह सुनकर गुरु गोविंद जी हैरान रह गए और उन्होंने इसके पीछे का कारण पूछा। तो टोडरमल जी बोले कि मैं नहीं चाहता कि मेरे आगे के वंश पैदा हों और जमीन पर अपना हक जताएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।